When the sky is filled with stars and the night is falling down, have a look, it's all around. There's no limits between us. I feel like shatter is real tonight. We won't come, there's my killing lie. I feel like I'm losing all my mind, but I'll be alright, yeah. Hi guys, welcome to my channel and welcome to Baga Beach. और इस वीडियो के साथ मैं 2020 को बाय बाय कह रही हूँ एंड लेट्स वेलकम 2021. होप कि ये साल सभी के लिए अच्छा हो और ये साल आप सभी की लाइफ में खुशियाँ लेकर के आए. सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. सो आज 31st है और मैं बागा में हूँ और ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, दिस इज़ सेंट एंथनीज और ये बागा के वन ऑफ द बेस्ट शैक्स में से एक है. और स्ट्रीट में जैसे कि आपने देखा और ये जैसे आप शॉप्स देख रहे हैं, ऐसे बागा बीच तक पहुंचने तक पूरे स्ट्रीट्स में बहुत सारी शॉप्स हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे. यहाँ पे एक तिब्बतन मार्केट भी है जहाँ पे आपको बहुत सारे सिल्वर ज्वेलरी के ऑप्शंस मिल जाएंगे. और ये बागा बीच की पार्किंग है. यहाँ पे टू व्हीलर के लिए 20 रुपीज़ चार्जेस थे और फोर व्हीलर के लिए 40 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे पेड पार्किंग का ऑप्शन है. तो ये यहाँ पे टैटू का भी ऑप्शन है, आप अपने टैटूज भी बनवा सकते हैं. तो जब आप बागा बीच आएंगे तो आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी रिलेटेड टू क्लोथ्स, सुविनियर्स और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं. तो ये स्ट्रीट्स में जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी शॉप्स हैं, हैट्स हैं अलग अलग टाइप की, तो वो भी आप देख सकते हैं. बागा बीच और कलंगुट बीच नॉर्थ गोवा के वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड बीचेस में से एक है और 31st के दिन पे आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड मिलेगा एंड दीज बीचेस आर दी मोस्ट हैपनिंग बीचेस ऑफ नॉर्थ गोवा. और ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से पेड कार पार्किंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये मेन एंट्रेंस है बीच का और यहाँ पे एंट्रेंस पे ही आपको ऐसे कट फ्रूट के ऑप्शन मिल जाएंगे. सो इफ़ यू वांट टू हैव इट, यू कैन हैव दीज फ्रूट्स आल्सो. और इसके बाद आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आगे बहुत अंदर तक भी शॉप्स हैं जहाँ पे आप टी शर्ट्स, आई लव गोवा टाइप की टी शर्ट्स भी ले सकते हैं. सो एज यू कैन सी लेफ्ट साइड में यहाँ से शैक स्टार्ट हैं और बागा और कलंगुट में आपको सबसे ज़्यादा शैक्स मिलेंगे बीच साइड पे. और दोनों बीचेस पे बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है और नाइट में ये जगह बहुत अच्छी लगती है. तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बागा का नाइट व्यू भी दिखाने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेक करें. और यहाँ पे बागा में और कलंगुट में दोनों जगह पे जो बीच साइड का सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है. तो आप जब यहाँ पर आएंगे, जब आप डिनर के लिए आएंगे, तो जो लाइटिंग है और यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर होता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. आप कुछ अमेजिंग फ़ोटोज़ भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. और ये बीच 31st को गोवा पूरा फुल है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो अभी दोपहर के टाइम पे ज़्यादा क्राउड यहाँ पे बैठा नहीं था, बिकॉज़ मैं 2:00 के अराउंड गई थी. तो लंच करके
मोस्ट ऑफ दी जो गेस्ट थे, टूरिस्ट थे, वो बीच पे थे. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है. तो पूरा बीच फुल था. यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट इंजॉय कर रहे थे बीच पे, वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय कर रहे थे. सो बागा बीच पे इज़ वन ऑफ दी चीपेस्ट वाटर स्पोर्ट्स ऑप्शंस अवेलेबल है. सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, और मैं आपको वाटर स्पोर्ट का प्राइस भी दिखाऊंगी अभी. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरासीलिंग पर पर्सन 800 रुपीज़ है, जेट स्की पर पर्सन 400 रुपीज़ है, बनाना राइड फॉर 4 पर्सन 1000 रुपीज़ है. तो ये कुछ यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के प्राइस हैं. एंड अ टिप इन केस आप अपना गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप लॉकडाउन के बाद गोवा आना चाहते हैं, तो गोवा में जो ज़्यादातर क्राउड है वो वीकेंड्स पे या फेस्टिव टाइम पे रहता है. जैसे कि आज 31st है, आज गोवा फुल है, और ये इस टाइम पे जो भी चीज़ें हैं जैसे कि होटल के प्राइसेस, 2-व्हीलर 4-व्हीलर के प्राइसेस, ये सब हायर साइड पे रहते हैं. तो जो स्कूटी आपको नॉर्मल डेज पे 250-300 रुपीज़ पर डे के चार्जेस पे मिल जाती थी, वो आज 1000 रुपीज़ पर डे चार्जेस में मिल रही है. तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है. तो अगर आप अपना थोड़ा सा पैसा सेव करना चाहते हैं तो आप अपनी ट्रिप वीकडेज में प्लान कीजिए, या फिर किसी भी फेस्टिवल से दूर की डेट में आप अपनी ट्रिप प्लान कीजिए. उससे आप जो भी होटल के प्राइसेस हैं या 2-व्हीलर 4-व्हीलर के जो प्राइसेस हैं, या कोई भी आप शॉपिंग करने जाते हैं या वाटर स्पोर्ट्स के प्राइसेस हैं, इन सभी के प्राइसेस में आप बार्गेनिंग कर सकते हैं और जो भी प्राइस है उसको अपने हिसाब से थोड़ा नीचे ला सकते हैं. तो उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा. सो दिस वॉज अ टिप फ्रॉम माई साइड. तो जैसे कि आप देख सकते हैं बागा बीच इट्स फुल. यहाँ पे बहुत सारे लोग स्विम कर रहे हैं एंड दे आर इन्जॉइंग. These are the shacks at Baga Beach and Saint Anthony's and Brito's. ये दो shacks हैं जो कि बहुत famous हैं for their food at Baga Beach. So अगर आप भी वहाँ पर जाते हैं तो you can taste food from these two shacks. एंड अभी यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था बिकॉज मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट दे वर स्विमिंग एंड दे वर इंजॉइंग एट बीच. और बिकॉज सन होता है, दोपहर में धूप रहती है, तो ज़्यादातर जो भी गेस्ट्स हैं वो इन शैक्स के अंदर बैठना ही पसंद करते हैं. बट नाइट में यहाँ पे बहुत अच्छा कैंडल लाइट डिनर सेटअप किया जाता है. तो जब आप यहाँ पर आएंगे आप डेफिनेटली वहाँ पे बैठ के डिनर करना इंजॉय करेंगे, और वो सेटअप भी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं बागा का नाइट व्यू दिखाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो. तो दिस वॉज बागा बीच. सो इन्जॉय द व्यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. And if you're enjoying this video, make sure you hit that like button. और अगर आपके कोई भी friends या family members हैं जो Goa आना चाहते हैं और Goa के बारे में latest news and updates चाहते हैं, तो आप उनके साथ इस channel का और इस video का link ज़रूर share करना, because मैं अपने इस channel पे Goa से related सभी latest videos and updates लाती रहती हूँ. तो अगर आपको Goa देखने में interest है तो आप इस channel को ज़रूर subscribe कीजिएगा.